Assalamu alaikum, dear aspirants. Today I have here with another important theorist of sociology, that is Louis Kauser. इनके बारे में हम पढ़ेंगे. इन्होंने कुछ हट के बात की थी. जितने भी theorists में हम अब तक पढ़ चुके हैं, they were all talking about you know material, और उसके अलावा production system, production views, और उसके अलावा जो है ideas के बारे में बात की. इन्होंने जो है वो conflict के बारे में बात की थी. conflict के बारे में इन्होंने तब बात की जब functionalism was at its peak. और उसके बाद इन्होंने बताया कि एनी ग्रुप फॉर्मेशन इज़ द रिजल्ट ऑफ बोथ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन. डी एसोसिएशन कन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन आर बोथ द सोशल फंक्शंस. इन्होंने फंक्शनलिज्म के दौर में कन्फ्लिक्ट के बारे में बात की. ऑब्वियसली जो फंक्शनलिज्म है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि उसकी जो है एक जो एनालिस्ट हैं उसकी एक ड्रॉबैक ये भी बताते हैं कि फंक्शनलिज्म जो है कन्फ्लिक्ट के रोल पे बात नहीं करता और सिर्फ एसोसिएशन पर बात करता है. तो उस दौर में जो है लुईस कौज़र आए और उन्होंने कन्फ्लिक्ट की कुछ प्रेपोजिशंस बताई और बताया कि जो है कोऑपरेशन विद इन अ ग्रुप जो है वो कन्फ्लिक्ट की वजह से भी होती है. अब हम देखते हैं कि इन्होंने टाइप्स क्या बताई थी कन्फ्लिक्ट की. कन्फ्लिक्ट आर ऑफ टू डायमेंशन, यानी कि टू डायमेंशन हैं कन्फ्लिक्ट की. एक जो है हम देखते हैं कि कन्फ्लिक्ट कहाँ कहाँ हो सकता है. इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट होता है और इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट होता है. विद इन ग्रुप कन्फ्लिक्ट हो सकता है या दो ग्रुप्स के दरमियान कन्फ्लिक्ट हो सकता है. उसके बाद हम देखते हैं कन्फ्लिक्ट की रियलाइजेशन के हिसाब से कन्फ्लिक्ट की दो टाइप है, दैट इज़ कवर्ड कन्फ्लिक्ट, ओवर्ट कन्फ्लिक्ट. कवर्ड कन्फ्लिक्ट क्या है? सब्जेक्ट, दिस इज़ द सब्जेक्टिव कन्फ्लिक्ट. फॉर एग्जांपल दिस इज़ नॉट इन द डिमांड ऑफ समथिंग. मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई चीज़ डिमांड, आप कोई चीज़ डिमांड करते हैं तो ये फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं. एक इंडस्ट्री है, वो उसके जो वर्कर्स हैं वो चाहते हैं कि हम हमारी सैलरीज बढ़े, लेकिन जो वर्कर्स हैं दे आर नॉट एबल टू रेज देयर वॉइस. वो जो है प्रोटेस्ट नहीं कर रहे और यू नो डिमांड नहीं कर रहे. उनमें से कुछ दो तीन वर्कर्स ऐसे हैं जो कि डिमांड करना शुरू कर देते हैं कि हमारी जो है सैलरीज बढ़ाई जाए. तो जो बाकी ग्रुप ऑफ पीपल होंगे वो ऑब्वियसली चाहते तो हैं इन देर विद इन देम सेल्फ, वो चाहते तो हैं कि उनकी भी सैलरीज बढ़े, लेकिन वो ये बात अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे. तो वो उनका सब्जेक्टिव कन्फ्लिक्ट किस तरह से होगा कि वो कहेंगे कि जो वो पर्टिकुलर दो तीन लोग डिमांड कर रहे हैं उनकी सैलरीज बढ़ा दी जाए. वो खुद को अभी इन्वॉल्व नहीं कर रहे, लेकिन जब यही कन्फ्लिक्ट टेंस हो जाएगा और जब अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ हमारी भी सैलरी जो है वो बढ़नी चाहिए, तो वो जो है कन्फ्लिक्ट जो है वो ओवर्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा. अब वो सब ग्रुप मिलके पूरा जो इमेंस ग्रुप है वो मिलकर इस बात की डिमांड करेगा कि हाँ हमारी सैलरीज बढ़नी चाहिए, और वो दिस ओवर्ट कन्फ्लिक्ट विल नो लॉन्गर बी ये जो है ये अवर्ड कन्फ्लिक्ट है. ये अब किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में नहीं रहा, बल्कि अब ये पर्टिकुलर थिंग के बारे में हो गया, सैलरी के बारे में हो गया. ये हमने देखा ये जो कवर्ड कन्फ्लिक्ट था ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में था, और अब ये जो ओवर्ड कन्फ्लिक्ट है ये थिंग के बारे में हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, सैलरीज के बारे में हो गया. अब हम देखते हैं कि फंक्शन क्या हो सकते हैं कन्फ्लिक्ट के. कन्फ्लिक्ट की वजह से सोशल चेंज आ जाता है. ऑब्वियसली ये जब इंडस्ट्रियलाइजेशन में ये लोग डिमांड करेंगे सैलरीज बढ़ेंगी, तो जब एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की सैलरी बढ़ेगी तो जो बाकी के लेबर्स होंगे इंडस्ट्रीज के वो भी करेंगे प्रोटेस्ट, और फिर उनकी भी सैलरी बढ़ेगी. इस तरह से क्या होगा, सैलरी रेट इंक्रीज़ हो जाएगा विद इन अ सोसाइटी, जिसकी जो कि हम क्या कंसीडर करेंगे, अ सोशल चेंज. उसकी वजह से अब जब कन्फ्लिक्ट होता है दो ग्रुप्स से विद इन अ ग्रुप दो पार्टीज़ में, तो उससे क्या होती है एक पर्टिकुलर पार्टी की पावर इंक्रीज़ हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं रशिया यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट है, जो अपर हैंड पे इस टाइम मुल्क चल रहा है दैट इज़ रशिया, तो उसकी क्या है पावर इंक्रीज़ हो गई है इन द ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर. उसके बाद हम देखते हैं इनोवेशन. जब कन्फ्लिक्ट होता है तो ऑब्वियसली उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है. जब रिजॉल्व करने की कोशिश किस तरह से की जाती है, कोई एक नया आइडिया इवॉल्व किया जाता है, कोई एक नया मेथड इवॉल्व किया जाता है, उसको अडॉप्ट करके उस कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है. उसके बाद हम देखते हैं कि इसके प्रेपोजिशंस क्या हैं. कन्फ्लिक्ट की वजह से इंट्रा हार्मनी बढ़ जाती है. ऑब्वियसली जब दो ग्रुप्स के दरमियान कन्फ्लिक्ट होगा तो वो जो पर्टिकुलर ग्रुप होगा उसके मेंबर चाहेंगे कि हमारा ही ग्रुप इस कन्फ्लिक्ट में अपर हैंड रहे, तो उसकी वजह से उनके अंदर सॉलिडारिटी बढ़ती है टू हैव देयर ग्रुप ऑन द अपर हैंड. उसके बाद हम देखते हैं कि क्लियर प्रेशर. फॉर एग्जाम्पल दो ग्रुप्स में कन्फ्लिक्ट है, तो जब वो आपस में कन्फ्लिक्ट का इजहार करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो उनकी जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी, अगर तो उनका कन्फ्लिक्ट वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स पे बेस्ड होगा, तो उनकी दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो ख़त्म हो जाएगी. उसके बाद है कोएलेशन.
जब दो ग्रुप्स में कन्फ्लिक्ट होता है तो कोएलिशंस, उसकी वजह से कोएलिशन डिवेलप करती है। हमें पता है कि ग्रुप्स में ऑब्वियसली कभी भी कन्फ्लिक्ट दो ग्रुप्स में नहीं होता, जो ऑब्जेक्टिव कन्फ्लिक्ट है वो तो दो ग्रुप्स में ही होता है, लेकिन उसके बाद जो इर्द गिर्द के सराउंडिंग्स होती हैं वो भी जो है अपनी साइड्स यू नो चूज़ करना शुरू कर देती है, तो उसकी वजह से कोएलिशन बनती है। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। कन्फ्लिक्ट को जो है वो इंस्टेबिलिटी नहीं समझा जाता, बल्कि समझा जाता है कि कन्फ्लिक्ट की वजह से, जब कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है उसकी वजह से रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि डिसफंक्शनल भी हो सकता है कभी कभी कन्फ्लिक्ट। इन वर्ड केसेस जब इंटेंस हो जाए कन्फ्लिक्ट और वो कंट्रोल ना हो सके तो दैट इट बिकम डिसफंक्शनल। उसके अलावा जब कोई कन्फ्लिक्ट पर्पजलेस हो, पुडललेस हो, एमलेस हो, जब लोगों को जो कन्फ्लिक्ट कैरी कर रहे हैं उनको ये बात पता ही ना हो कि ये कन्फ्लिक्ट किस वजह से है, बस दे यू नो चेंज चल रही हो कन्फ्लिक्ट की और वो उसको कैरी कर रहे हैं, और उनको ये बात पता ही ना हो कि हमने क्या डिमांड करना है इस कन्फ्लिक्ट के इस कन्फ्लिक्ट को लेके, तो तब वो जो है पर्पजलेस हो जाता है और वो डिसफंक्शनल हो जाता है। सो कन्फ्लिक्ट की थ्योरी में बस यही था। होपफुली दिस विल एड वैल्यू टू योर नॉलेज। अगर आपको लगे मुझे किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनानी चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। योर रिकमेंडेशंस विल बी अप्रिशिएटेड। जज़ाकुमुल्लाहु खैर फी अमानिल्लाहि। अस्सलामु अलैकुम।